Welcome back to my channel again, Cyberbugs Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज हमारा सिक्योरिटी एनालिस्ट का सेशन 7 है. इसके पहले हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें देखे हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें देखे हैं. और इसके पहले का जो हमारा सेशन हुआ था वो हुआ था इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर, ठीक है, ओसेंट के ऊपर. तो वही चीज़ हम यहाँ पे आज कंटिन्यू करेंगे. तो हमने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की मदद से सब डोमेन्स और सिमिलर URLs फाइंड किए थे, और आज हम लोग काफ़ी और चीज़ें देखेंगे, जैसे कि गूगल डॉकिंग और लाइक एक्सप्लोटेशन डेटाबेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं. तो सबसे पहले आता है एडवांस गूगल सर्च यूजिंग ऑपरेटर. अब देखो, अब बहुत से लोगों को ना गूगल पे सर्च करना नहीं आता है, ओके, तो उनके लिए काफी सारे ऑपरेटर्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, ओके. अब यहाँ पे जो आप देखोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, या फिर आप नोट डाउन करके ले लो, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको मतलब एक एक करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको वो चीजें दिखाऊंगा जो आप प्रैक्टिकल्स में कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो प्रैक्टिकल्स में जैसी आपकी नीड है, ओके. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी सारे सर्विसेस हैं, जैसे कि वेब सर्च, इमेज सर्च, ग्रुप्स, डायरेक्टरी, न्यूज, प्रोडक्ट सर्च, ओके. आप क्या करते हो, जैसे कि अगर आपको किसी का इमेज सर्च करना है, ठीक है, तो इमेज सर्च करने के लिए आपको इमेज को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप उसको डायरेक्टली इस ऑपरेटर के मदद से सर्च कर सकते हो. अगर आपको कोई पर्टिकुलर PDF चाहिए, कोई फाइल चाहिए, तो ये गूगल ऑपरेटर इतना यूजफुल है, ठीक है, ये नॉर्मल बंदे के लिए भी यूजफुल है, तो जो डे टू डे लाइफ में गूगल को यूज कर रहे हैं, ठीक है. अब देखो, अब काफी सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, जैसे कि साइट, इन टाइटल, इन URL, लिंक, इन्फो, कैशे, काफी सारे हैं. अगर आपको किसी के बारे में लोकेशन भी देखना है उस वेबसाइट की, तो आप यहाँ पे लोकेशन का भी टैग दे सकते हैं, ओके. अब इसको यूज कैसे करना, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगाए हैं जिसके मदद से मैंने उस पर्टिकुलर वेबसाइट को लेकर के उस पर्टिकुलर डोमेन पे मैंने सर्च किया. मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ किस प्रकार से ये होता है, ओके. अब देखें, अब सबसे पहले अगर मुझे कोई स्पेसिफिक साइट सर्च करनी है, ठीक है, अब जैसे कि कुछ कुछ साइट होती है जो गूगल पे इजीली दिखती नहीं है. फॉर एग्जांपल, मेरी एक वेबसाइट है साइबर ट्रूप्स के नाम, ठीक है, अगर मैं साइबर ट्रूप्स सर्च कर रहा हूं तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी साइबर ट्रूप्स की वेबसाइट आपको दिखेगी नहीं, ठीक है, ना ही मैंने इसकी गूगल की इंडेक्सिंग करके रखी है. लेकिन अगर मुझे वो वेबसाइट ढूंढनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट गूगल ऑपरेटर का यूज करूंगा, ठीक है. यहां पर डालता हूं साइट कोलन साइबर ट्रूप्स डॉट इन और एंटर करता हूं, ठीक है. अब देखो, एंटर करने के बाद यहां पे क्या हुआ कि मैंने साइबर ट्रूप्स करके सर्च किया, ठीक है. अगर आप यहां पे देखोगे तो साइबर ट्रूप्स के रिलेटेड भी चीजें दिखेगी, ओके. अब एक चीज यहां पे क्या हो रही है कि मैंने साइबर ट्रूप्स डॉट इन तो डाला, लेकिन यहां पे सर्च नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्या रीजन है? वो ये रीजन है क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है वो इंडेक्सिंग नहीं हुई है गूगल पे, ठीक है. तो अगर मैं साइबर बग्स डालता हूं जो गूगल पे इंडेक्सिंग हो चुकी है, ठीक है, ये देखो. अब जैसे ही मैंने यहाँ पे साइट कोलन साइबर बग्स डॉट इन डाला, तो साइबर बग्स के अलावा, ठीक है, आपको कोई भी चीजें नहीं दिखेगी यहाँ पे. हर एक चीज में आपको साइबर बग्स दिखेगा, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा पिंटरेस्ट, मेरा इंस्टाग्राम, देन उसके बाद में ट्विटर, फेसबुक, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी अगर आप किसी भी स्पेसिफिक साइट के रिलेटेड सर्च करते हो तो. क्योंकि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ साइबर बग्स सर्च करूंगा तो मुझे काफी अदर चीजें भी मिल सकती है, ठीक है. अब देखो, वैसे ही सेम अगर सपोज मुझे किसी भी लाइक कंपनी में ये चेक करना है कि क्या क्या डिवाइसेस वहां पे यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि मैं यूज करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रो MICROSOFT.com, ठीक है, MICROSOFT.com के बाद में जैसे कि यहाँ फाइल टाइप भी आप ऑपरेटर यूज कर सकते हो, फाइल टाइप PDF, मतलब अगर आपको कोई PDF चाहिए तो आप वो सर्च कर सकते हो, ठीक है. लेकिन मुझे ये सर्च करना है कि माइक्रोसॉफ्ट कितने डिवाइस को मैनेज कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इन URL टाइप करूंगा,
ठीक है, मुझे कौन सा यूआरएल चाहिए वो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। आप चाहो तो इससे एडमिन पोर्टल भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इन यूआरएल डिवाइसेस, और आप उसको एंटर करो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैनेज डिवाइसेस यूज्ड विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के पास में जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, सरफेस, एक्सबॉक्स, होलोलेंस, एक्सेसरीज, क्लाउड, ठीक है, जितने भी डिवाइस अवेलेबल है वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे। ओके, अब देखो अगर सपोज मुझे सपोर्ट देखना है कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट पार्ट ढूंढना, ठीक है, मुझे अगर कंप्लेन करना है माइक्रोसॉफ्ट में तो माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाके सपोर्ट ढूंढूंगा, एक एक करके लिंक क्लिक करूंगा, उससे अच्छा मैं डायरेक्टली सपोर्ट ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन टाइटल यहाँ पे डालता हूँ, इन टाइटल। अब ये इन टाइटल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको दिखेगा इन टाइटल्स दिख रहे, बकराउड, ठीक है, एंगेजमेंट, बकराउड, गिटहब, इसको हम लोग इन टाइटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन टाइटल डालता हूँ, ओके, INTITLE, इन टाइटल कोलन, कौन सा पेज चाहिए मुझे, सपोर्ट का पेज चाहिए। इससे भी आप एडमिन पोर्टल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हाँ गूगल कभी कभी ये चीजें देगा क्योंकि उसको जानना होता है कि आप रोबोट नहीं हो। ठीक है, अब जैसे ही मैंने सपोर्ट डाला, यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट कॉन्टैक्टर्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप वही सर्च करते हो जो आप चाहते हो। ओके, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एडमिन पोर्टल सर्च करता हूँ तो हो सकता है मुझे एडमिन पोर्टल्स मिले, ठीक है, और एडमिन के रिलेटेड कई सारे डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स भी मिल सकती है। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक मिला है, एक क्या दो तीन चीज मिली, इनफैक्ट देखो यहाँ पे भी लॉगिन है। ठीक है, इसका मतलब है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एडमिन डाला तो उसके रिलेटेड जितने भी लॉगिन पोर्टल से एडमिन पोर्टल से मुझे यहाँ पर निकाल करके दे दिया उसने। ठीक है, तो ये जो चीज होती है ये चीज हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, रादर देन एक एक करके यूआरएल चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आप यूज कर सकते हो फॉर गूगल डॉकिंग के लिए। ओके, अब जैसे कि एज एन एग्जाम्पल मुझे फाइल टाइप कर रहा हूँ, मुझे एक फाइल ढूंढनी है, ठीक है, फाइल टाइप पीडीएफ। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने फाइल टाइप पीडीएफ डाला तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट के पास में जितने भी पीडीएफ है मुझे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, लेट्स से अगर आपको किसी कॉलेज, किसी स्कूल, अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप उसको उसका इन्फॉर्मेशन फाइंड कर रहे हो तो उसके अंदर जितने भी पीडीएफ होंगे आप वो भी यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये होती है गूगल डॉकिंग, जिसमें आप एक एडवांस सर्च कर रहे हो, जो आपको चाहिए वही चीज आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, आपको हर एक लिंक पे जाने की जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज है कि आपको ये ऑपरेटर्स जो है वो समझने पड़ेंगे, ये ऑपरेटर्स आपको यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। देन आता है गूगल सर्चिंग यूजिंग गूगल हैकिंग डेटाबेसेस। अब ये हैकिंग डेटाबेसेस क्या है, ठीक है, अब हैकिंग डेटाबेसेस का मतलब सिंपल है कि आप अगर एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस होता है जहां पे जितने भी वल्नरेबिलिटीज अब तक के मार्केट में आई है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर सर्वर पे, किसी पर्टिकुलर वर्जन पे आपको कोई एक्सप्लॉयट सर्च करना है, आपको ये चेक करना है कि वो पर्टिकुलर वर्जन में कोई वल्नरेबिलिटीज है या नहीं है, तो आप गूगल डेटाबेस का यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस का यूज कर सकते हो। तो वैसे ही सेम गूगल हैकिंग का जो डेटाबेस है इसके अंदर आपको बाकी के भी कीवर्ड्स मिलते हैं कि आपको क्या क्या कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे जाओगे, ये पूरे की पूरी इसकी लिंक है गूगल हैकिंग डेटाबेस की। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन यूआरएल साइट इंडेक्स ऑफ डॉक और गूगल डॉक, फिर बाद में जितने भी यहाँ पे ऑपरेटर्स है सारे के सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ओके, प्लस ये जो डेटाबेस है ये आपको हेल्प करता है वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने में भी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मुझे इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे ये पता चला कि पीएचपी का वर्जन 4.2 यूज हो रहा है। ठीक है, तो पीएचपी 4.2 एक्सप्लॉइट -db, ठीक है, जो डेटाबेस एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस जो है वो यहां से आप यूज कर सकते हो। तो जैसे ही मैं एक्सपर्ट हाइफन डीबी करूंगा, देखो सेम है, ठीक है, शॉपिंग कार्ट 4.2 मल्टीपल एसक्यूएल है, एसक्यूएल है ना, एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे उसका प्रॉपर पेलोड भी आ गया कि किस वजह से वल्नरेबल है। ओके, अब इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप मेरे वेब एप्लीकेशन पेंटेस्ट में जाके देख सकते हो। जैसे कि सपोज एक टूल है मेरे पास है वेपलाइजर करके, ये मैं आपको आगे दिखाने ही वाला हूँ वैसे भी,
ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको ऐड टू ब्राउजर करो। टेस्ट पीएचपी चालू हो रही है वेबसाइट, पहले मैं देखता हूँ क्योंकि कभी कभी ये वेबसाइट डाउन रहती है। ठीक है, इसको पिन करो। अब देखो, पिन करने के बाद आपको जिस भी वेबसाइट के वर्जन्स या फिर वो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रही है आप वो देख सकते हो। जैसे कि बकग्राउंड का अगर मैं देखूँ तो पहले उनको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबरिंग्स आ गए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे तो यहाँ पे आपको वर्जन्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, हालांकि इसके अंदर चीजें फिक्स की गई है क्योंकि काफी हद तक के वर्जन्स नहीं शो कर रहे। मैं कोई भी एक रैंडम देख भी सकता हूँ, जैसे कि astro-db इसी वेबसाइट का देख लेता हूँ, कुछ वर्जन दिखता है क्या मुझे। यहाँ पे भी वर्जन हाइड करके रखे हुए शायद से, हाँ यहाँ भी वर्जन हाइड करके रखा हुआ। कोई और रैंडम वेबसाइट चेक करते नहीं दिख गया था, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ता है। आई थिंक इसमें मेनली लोडिंग इश्यूज हैं। ठीक है, हाँ ये देखो, जैसे कि jQuery 3.7.1। ठीक है, अगर मुझे इसका फाइंड करना है 7.1 एक्सप्लॉइट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सप्लोटेशन डेटाबेस का ही यूज करूंगा, काफी और सारे एक्सप्लोटेशन डेटाबेस है। ठीक है, काफी और सारे वेबसाइट है, जैसे कि यहाँ पे देखो साइनैक करके एक है, CVE डिटेल्स करके है, काफी सारे आप अलग अलग वेंडर्स यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटीज है या नहीं है। तो 3.7.1 में कोई भी वल्नरेबिलिटीज नहीं है, वेबसाइट जो है वो सिक्योर है। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं 3.1 डाल के देखता हूँ यहाँ पे सिंपल, और फिर जाता हूँ 3.1 में तो होगा, यहाँ देखो क्रॉस साइट स्क्रिप्ट। ठीक है, अब देखो काफी सारी वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे आ चुकी है क्योंकि लेटेस्ट वर्जन जो है वो है 3.7.1। ओके, तो इसी प्रकार से जो है वो एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस काम करते, प्लस उसके अंदर आप और सारे गूगल डॉकिंग के जितने भी ऑपरेटर्स से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट है फुटप्रिंटिंग यूजिंग शोडन। शोडन क्या है? शोडन बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप ये चेक करते हो पब्लिकली कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आईपी वल्नरेबल है या नहीं है, या फिर आपको उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे कि सपोज वेब कैम्स, अगर मुझे देखना है कि कोई पब्लिकली वेब कैम्स अवेलेबल है या नहीं है, मैं वो भी चेक कर सकता हूँ शोडन की मदद से। ठीक है, मैं उसको इनफैक्ट विजिट भी कर सकता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको shodan.io। ठीक है, आप जिस भी कंपनी का टेस्ट कर रहे हो आप वही कंपनी का यहाँ पे नाम भी डाल सकते हो, जैसे कि सोफोस। ठीक है, मैं अगर सोफोस में काम करता हूँ तो मैं सोफोस करके एंटर करता हूँ। ठीक है, अब सोफोस में जहां जहां पे फायरवॉल लगा हुआ है, ठीक है, और जहां जहां पे उसके प्रोटोकॉल्स ओपन है या फिर उसकी वल्नरेबिलिटीज अगर यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे आईपी मिली, ठीक है, मैं आईपी पे क्लिक करता हूँ। मैं जैसे ही आईपी पे क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा, ओपन पोर्ट्स कितने हैं, तो सिर्फ एक ही 25 पोर्ट नंबर ओपन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन भी अटैकर पे यूज आता है, क्या SSL सर्टिफिकेट यूज कर रहा है, कौन सा पोर्ट नंबर है, प्लस कौन सा यहाँ पे आईपी एड्रेस है। अगर आप देखोगे तो 25 पोर्ट नंबर जो होता है वो SMTP का होता है, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इससे कनेक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही आपकी ईमेल ट्रांसफर से। ठीक है ना, काफी चीजें हो सकती है। अगर सपोज 25 के पोर्ट को अगर अटैकर किसी प्रकार से वल्नरेबिलिटी फाइंड करने में कामयाब हो जाता है, तो इसके खुद के सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से वो ईमेल्स या मैसेजेस भेज सकता है। ओके, अब देखो, अब मैं यहाँ पे अगर वेबकैम सर्च करता हूँ, ठीक है, तो जितने भी वेबकैम्स यहाँ पे अवेलेबल है सारे के सारे आपको दिखेंगे। प्लस एक चीज ध्यान में रखना, मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से केसेस में यहाँ पे जो पोर्नोग्राफी होती है, ठीक है, उसके वेबकैम्स होते हैं। ठीक है, ये जितने भी कंट्रीज के वेबकैम्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस यहाँ से अगर आप चाहो तो जितने भी कंट्रीज के रिजल्ट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मे भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोर्नोग्राफीज के साइट्स ओपन हो जाते हैं, आप चाहो तो खुद से चेक करके देख सकते हो। बाकी रिजल्ट्स के लिए आपको खुद यहाँ पे लॉग इन करना होता है। ठीक है, अदरवाइज आपको वो लॉग इन करने
मतलब बाकी के रिजल्ट निकालने नहीं देगा। जैसे कि अगर मैं ये लास्ट वाले को ओपन करता हूँ, ठीक है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चैट रूम्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे वेबकैम्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो है वो मे बी पोर्नोग्राफी को सपोर्ट करता है, ठीक है, ये जो वेबसाइट है वो। तो मैं यही बोलूंगा कि इलीगल वेबसाइट्स को आप सपोर्ट ना करें और ना ही उस पर आप लॉग इन करें, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे वेबकैम्स हैं जो यहाँ पे पोर्नोग्राफी को ही सपोर्ट करते हैं। तो वेबकैम्स आपको सर्च करना है, इनफैक्ट अगर आपको वीपीएन सर्च करना है आप वीपीएन सर्च कर सकते हो, यानी जितने भी वीपीएन के डिवाइसेस लगे हुए हैं आप वो सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्मवेयर 256 होस्ट नेम और ये वेंडर कौन सा है, अलाउ रॉक सर्वर वीपीएन, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे पता चला कि ये फर्मवेयर वल्नरेबल है या फिर ये एक्सप्लॉइटेबल है, तो अटैकर एटलीस्ट ये चेक कर सकता है कि मैं किस पर्टिकुलर वीपीएन को सर्च कर रहा हूँ, वो वीपीएन वल्नरेबल है या नहीं है, या फिर उसके रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ओवरऑल अगर शोडन की बात करूँ, ये एक पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेस है जहाँ पे आप कुछ चीजें सर्च कर सकते हो, जैसे कि वीपीएन डिवाइसेस, सोफोस कहाँ पे है, फायरवॉल्स, प्लस आपके वेब कैम्स, ठीक है, ये सारे डिवाइसेस, आईपी एड्रेसेस, वल्नरेबिलिटीज, ये सारी चीजें आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आता है ईमेल एड्रेस हार्वेस्टिंग। अब ईमेल एड्रेस हार्वेस्टिंग आप यूज कर सकते हो वाया द हार्वेस्टर। तो द हार्वेस्टर करके एक टूल है, इसके मदद से आप ईमेल एड्रेसेस जो है वो फाइंड कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो मैं यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेसेस नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ लाइक लीगल इश्यूज ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टूल कैसे क्या यूज करते हैं वो दिखाता हूँ। वैसे दिखाए तो साइबर बग्स पे मेरे पास में कोई ईमेल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही आपको, ठीक है। नो आईपी फाउंड, नो ईमेल फाउंड, नो होस्ट फाउंड। आप चाहो तो ये खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, द हार्वेस्टर एक टूल है, मे बी लिनक्स पे शायद ही इंस्टॉल्ड होगा बाय डिफॉल्ट, फिर मैं सर्च करता हूँ, हाँ है अवेलेबल, ठीक है। अब मैं एवरीथिंग इन काली लिनक्स यूज कर रहा हूँ, तो मैंने इसमें सारी चीजें इंस्टॉल करके रखी हुई है। डैश डैश हेल्प करो, जैसे ही आप हेल्प करते हो लास्ट में आपके पास में सोर्सेस है, आपको जिस भी सोर्सेस से इंफॉर्मेशन गैदर करना है आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि डैश डी करो, साइबर बग्स डॉट इन करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और मुझे कौन से सोर्स से इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल गूगल, एंटर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इनवैलिड सोर्स क्यों दिखा रहा है मुझे एक बार देखना पड़ेगा, यहाँ पे गूगल अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। गूगल अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिंग करके देखता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो अब ये क्या करेगा, ये फाइंड करेगा, ठीक है, जितने भी इंफॉर्मेशन है इन बिंग सर्च इंजिन की, कोई इंफॉर्मेशन इसको मिलती है नहीं मिलती है। सेम चीज मैं काम करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम में दिखाता हूँ, वैसे तो कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हम लोग। Microsoft.com, ठीक है। अब देखो जितने भी URLs हैं, जितने भी ईमेल एड्रेसेस हैं पॉसिबल, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि इसने ईमेल एड्रेस तो निकाल के नहीं दिया, लेकिन इसने सब डोमेन्स निकाल करके दिया हुआ, ठीक है। इनफैक्ट पहले ये गूगल काम करता था, लेकिन अभी शायद से गूगल काम नहीं कर रहा है इसका, हाँ इनवैलिड सोर्स दिखा, आई थिंक गूगल इसमें से हटा दिया गया क्योंकि पहले गूगल का सोर्स था इसके अंदर, ठीक है। इन केस अगर आपको ये जानना है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कितने बंदे काम कर रहे हैं, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। अब वो इसमें है या हटा दिया देखना पड़ेगा, लिंक्डइन का सोर्स है या नहीं है, क्योंकि अभी क्या हुआ कि इसके अंदर ना बहुत सारे अपडेट लाए हैं ताकि इलीगल एक्टिविटीज ना हो, और मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आई थिंक लिंक्डइन का सपोर्ट हटा दिया, यस हाँ लिंक्डइन का सपोर्ट यहाँ पे हटा दिया, पहले लिंक्डइन का सपोर्ट था। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी द हार्वेस्टर की, वहां पे आपको पता चलेगा, ठीक है। मैं याहू देखता हूँ, यहाँ पे याहू पे आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले ट्विटर, लिंक्डइन सारे सोर्सेस थे, अभी ये सोर्सेस हटा दिए गए हैं, आई थिंक कुछ लीगल इश्यूज हुए होंगे, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले लिंक्डइन फिर उसके बाद में ट्विटर, सारी चीजें थी, ठीक है। ये देखो ये एक ईमेल एड्रेस मुझे मिला है, ओके। तो यहाँ से आप ईमेल एड्रेस फाउंड कर सकते हो, आप यहाँ से सब डोमेन्स फाउंड कर सकते हो, और बाकी के इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ओके। एंड उसके बाद अगर आप चाहो तो hunter.io करके टूल है, यहाँ पे भी आप जा करके
फाइंड ईमेल एड्रेस फ्रॉम एनी कंपनी नेम और वेबसाइट आप कर सकते हो। हाँ लेकिन एक चीज है, पहले ये फ्री होती थी, अभी ये भी पेड होना चालू हो गए। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ पे विजिट करो hunter.io और आप लॉग इन साइन अप करके चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई फ्री मिले तो ठीक है, वैसे दिखाया तो अभी फ्रीली काम नहीं करता है, आपको इसके लिए पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप cyberbugs.in पे जितने भी ईमेल कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर डोमेन से वो आपको दिख जाएंगे। वैसे देखा जाए तो मेरे पास में सब, मैं पर्सनल जीमेल ही यूज करता हूँ। ठीक है, अगर आप कोई और वेबसाइट का देखना चाहो तो आप देख सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। टू बी कंटिन्यूड फॉर अवर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साइबर ब्लॉग, साइबर सिक्योर। मिलते हैं अगले वीडियो।